YouTube से घंटा कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप लोग इसको नहीं समझोगे। यहाँ पर देखो मेरी एक वीडियो वायरल है, और यहाँ पर देखो किस वजह से वायरल है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर इसका CTR हाई है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन हाई है, और यहाँ पर इसका इसीलिए व्यूज देखिए वायरल है ये वीडियो। यहाँ पर क्यों वायरल है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो आप जब तक आप लोग इसको नहीं समझोगे तब तक आप लोग YouTube से कुछ नहीं कमा सकते, YouTube से आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये चीज़ क्या है, अब ये मेरी वीडियो वायरल है देखिए किस तरह से वायरल है, क्योंकि इसका ये सब हाई है। अब ये क्या है, इसके देखने के लिए आपको करना क्या, आपको अपना YT स्टूडियो चेक करना। YT स्टूडियो में जो भी अपना वीडियो अपलोड करो तो वीडियो आप चेक कैसे करोगे, YT स्टूडियो जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने वीडियो आएगा, वीडियो के नीचे इस तरह से कुछ आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। अब ये क्या होता है, ये आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि ये आपका ग्रीन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए मेरा ग्रीन है, यानी ग्रीन टिक ऊपर है तभी मेरा इंप्रेशन भी अच्छा है, और यहाँ पर देखिए एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा है क्योंकि ग्रीन टिक ऊपर है। अब जब ये दोनों टिक ऊपर है तो जाहिर सी बात है व्यूज़ भी अच्छा जाएगा, और व्यूज़ भी अच्छा जाएगा तो वायरल होने के चांस ज़्यादा है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पर इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, तो जैसे आप लोग जैसे YouTube पर कोई भी वीडियो बनाते हो तो YouTube करता क्या है, आपके वीडियो को दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है, आपकी वीडियो को दूसरों तक पहुंचाता है, यानी कि जो दूसरे के पास जाती है वो आपकी वीडियो नहीं होती, वो थंबनेल होती है। तो थंबनेल के थ्रू लोग आपके वीडियो को देखते हैं, तो थंबनेल पर क्लिक करते हैं, तो जैसे जितो YouTube जो है आपकी वीडियो को जितने लोगों के पास भेजता है उसको बोलते हैं इंप्रेशन। तो ये होता है इंप्रेशन, तो इंप्रेशन आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो इंप्रेशन अच्छा करने के लिए आपको थंबनेल अच्छे से अच्छा डिजाइन करना आना चाहिए, यानी कि आपको थंबनेल जो है प्रॉपर तरीके से बनाना आना चाहिए। थंबनेल में किस तरह से काम करना है, किस तरह से वर्क करना है, सारी चीज़ें एकदम आपको डिटेल डिटो एकदम थंबनेल को एकदम परफेक्ट बनाना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए मेरी इस वीडियो का थंबनेल अच्छा है तभी मेरा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट अच्छा है। तो इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट अच्छा करने के लिए आपको अपने वीडियो का थंबनेल बहुत ही अच्छा डिजाइन करना पड़ेगा। अब उसको कैसे करना है, आपको क्या कहते हैं पिक्सल लैब डाउनलोड करके वहाँ थंबनेल बनाना सीख सकते हो, नहीं तो मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी, वहाँ से भी आप लोग थंबनेल बनाना सीख सकते हो। तो यहाँ से आपको ये करना है, ठीक है, थंबनेल अच्छे से अच्छा डिजाइन करना है, क्योंकि YouTube जो है आपकी वीडियो को भेजता है तो लोगों के पास आपका इंप्रेशन जाता है, ना कि आपकी वीडियो जाती है। तो इंप्रेशन आप लोग तभी अच्छा कर पाओगे जब आपका थंबनेल अच्छा हो। तो थंबनेल अच्छा करने के लिए थंबनेल को क्लिकबेट करो, क्लिकबेट करोगे तो लोग आपके थंबनेल को क्लिक करेंगे। तो ये पहली चीज़ हो गई जिसको आपको सुधारना है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट को आपको सबसे पहले सुधारना है। तो आपने इसको सुधार लिया, अब उसके बाद आते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन। तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसे अच्छा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी वीडियो में दम रखना पड़ेगा, यानी कि आप जो भी वीडियो YouTube पर अपलोड करो तो उसमें आपको एकदम दम रखना पड़ेगा। आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और क्या कहते हैं कि वीडियो में सस्पेंस होना चाहिए। अब जैसे ये वाली वीडियो मेरी वायरल है तो इसमें सबसे पहले थंबनेल क्लिकबेट है, कैची थंबनेल है क्योंकि लोग क्लिक कर रहे हैं, और थंबनेल के बाद इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा है क्योंकि मेरी जो वीडियो का क्या कहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, वीडियो का इंप्रेशन मतलब वीडियो में जो सस्पेंस मैंने बना के रखा आप लोग खुद जाके देख सकते हो किस तरह से वीडियो में सस्पेंस बनाया, तभी मेरी वीडियो वायरल है। तो आपको दूसरी चीज़ यहाँ पर ये करनी कि आपको अपनी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताई थी आपको वीडियो में दम रखना पड़ेगा। अब एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता क्या है, जैसे आपने कोई 5 मिनट की वीडियो बनाई तो 5 मिनट की वीडियो को लोग अगर जैसे 2-2.5 मिनट तक देख रहे हैं, यानी कि आधा वॉच कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है आपकी वीडियो आधी देखी जा रही है, यानी कि 50% लोग देख रहे हैं। तो इससे आपका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन निकल गया है वो 50% निकल गया है। तो इस तरह से आपको अपना वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा करना पड़ेगा। अब ये कैसे अच्छा होगा, यहाँ पर जब आपके जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन पर ग्रीन टिक हो जाएगा, यानी कि ग्रीन टिक एरो ऊपर की तरफ, तो इससे जो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा माना जाता है आपकी वीडियो का। और इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट में भी यही लागू होता है, आपकी जब वीडियो मतलब आप जो वीडियो अपलोड करो उसका जो है जब ग्रीन टिक हो जाता है तो ग्रीन टिक होने के बाद एरो ऊपर की तरफ जाता है, तो इससे आपकी वीडियो का इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट और एवरेज वीडियो दोनों आपका पता चल जाएगा कि अच्छा जा रहा है। अब जब तो ये दोनों चीज़ें अच्छी चली जाएंगी तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएंगे और आपकी वीडियो जो है वायरल होना चालू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों मेरा ओके है, दोनों पर ग्रीन टिक है और दोनों एरो ऊपर की ओर है, तभी मेरी यहाँ पर वीडियो वायरल है। तो इन दोनों चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि यही दोनों चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा। दोनों में से अगर आप लोग एक भी चीज़ को मिस करोगे तो आपकी वीडियो वहीं पर रुक जाएगी। अगर आप लोग जैसे थंबनेल अच्छा बना ले, लेकिन अगर आपकी वीडियो में दम ही नहीं रहेगा तो लोग पता क्या करेंगे, जैसे आपकी वीडियो लोगों के पास पहुंची, लोग यूट्यूब ने आपके इंप्रेशन को भेजा, जैसे 100 लोगों के पास इंप्रेशन भेजा और 10 लोगों ने आपके थंबनेल पर क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद देखा आपकी वीडियो में दम ही नहीं है तो वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, वहीं से आपकी वीडियो रुक जाएगी। और पता चला आपकी वीडियो अच्छी है लेकिन थंबनेल ही खराब है, तो लोग जब आपकी थंबनेल को क्लिक ही नहीं करेंगे तो वीडियो कौन देखेगा। वीडियो चाहे जितनी अच्छी बना लो, जैसे दुकान नहीं होता मिठाई की दुकान, मिठाई चाहे जितनी अच्छी बनी हो लेकिन जब दुकान का जब जो मेन गेट है वही अच्छा नहीं है तो लोग अंदर कैसे घुसेंगे। दुकान के बाहर गंदगी पड़ी है, अब अंदर चाहे जितनी अच्छी मिठाई रख लो, लोग जब बाहर से ही लौट जाएंगे तो मिठाई कौन खाएगा, मिठाई देख चखने का मौका ही नहीं मिला।
तो इसीलिए आपको दोनों चीज़ अच्छी करनी पड़ेगी। थंबनेल का, थंबनेल जो होता है आपकी यूट्यूब वीडियो का मेन गेट होता है एक तरह से। यूट्यूब आप जो भी चैनल बनाते हो, जो भी वीडियो डालते हो, उसका मेन जो है जैसे साज सज्जा सजावट, वही थंबनेल होता है। तो आपको उसको तो परफेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो लोग आपके अंदर मतलब आपकी वीडियो में थंबनेल करेंगे, तब तक आपकी वीडियो घुसेंगे कहते हैं। जब थंबनेल पर क्लिक करते हैं मान लो आपकी वीडियो घुस गई, तो भाई आपकी वीडियो का तो अच्छी होगी है। जब वीडियो अच्छी होगी तो लोग भाई पूरा वाच करेंगे, आपकी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा जाएगा, और जब ये दोनों चीज़ अच्छी आएगी तो आपकी वीडियो वहीं से वायरल हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों पर आपको फोकस करना है, आपको काम करना है अच्छे से। बहुत सारे लोग बताते हैं ये करो वो करो, आपको कुछ नहीं करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपकी, आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको अपना YT स्टूडियो हमेशा चेक करते रहना है। जब भी आप वीडियो अपलोड करो तो YT स्टूडियो में जाके अपने वीडियो का एनालिटिक जरूर देखो कि आपकी वीडियो में क्या क्या चीज़ें कम हो रही, क्या ज़्यादा हो रही, किस तरह से, क्योंकि यूट्यूब आपको खुद बताता है कि आपकी वीडियो कब वायरल होगी। अब YT स्टूडियो में जाओगे तो आपको वीडियो में जाने के बाद वहाँ पर आप लोग सारी चीज़ चेक कर सकते हो, और ये चीज़ जरूर चेक करना, एवरेज वीडियो ड्यूरेशन और इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी वीडियो का ये अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी वीडियो जो है नहीं वायरल हो पाएगी, और वायरल नहीं हो पाएगी तो आप लोग परेशान रहोगे और YouTube पर रोते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं। उनको पता चल जाता है कि YouTube से पैसा मिलता है तो पैसे की लालच में आते हैं, YouTube पर काम करते हैं, YouTube पर मेहनत करते हैं, YouTube पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद परेशान होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो वायरल ही नहीं हो पाती, ना ही उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और ना ही उनका वॉच टाइम कंप्लीट होता है। और जब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक उनकी वीडियो वायरल नहीं होगी, और जब तक उनकी वीडियो वायरल नहीं होगी तब तक उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक वो क्या कहते हैं YouTube पर किस तरह से काम करेंगे बताओ, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इन दो चीज़ों का अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट और एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अब ये दो चीज़ अच्छी हो जाएगी तो बाकी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बाकी हम तो ग्राउंड में आके हमने वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस देखने को मिलेगा। बाकी कोई नहीं, यहाँ पर मैंने आपको कुछ टिप्स दिया है, इसको ज़रूर से याद रखना और अच्छे से याद रखना और ध्यान से याद रखना, ठीक है, और अच्छे से YouTube पर काम करो। बाकी और अच्छे से YouTube पर काम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको आने वाले टाइम पे अच्छे अच्छे वीडियो देते रहता हूँ YouTube से रिलेटेड, Facebook से रिलेटेड, तो Facebook पर कैसा दे रहा है, Facebook पर भी काम करो, Instagram भी दे रहा है, Instagram पर भी काम करो। वैसे Instagram पर तो केवल क्या कहते हैं प्रमोशन किसको कमा सकते हो, बाकी Facebook और YouTube तो है, यहाँ से कमाओ आप लोग अच्छा खासा पैसा कमाओ। तो यही था वीडियो में, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं ये करो वो करो, ये सब कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से काम करो, यूट्यूब को अच्छे से चलाओ और पैसा कमाओ। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वीडियो पहुँचे और वो लोग भी अच्छे से यूट्यूब पर काम करें। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।